मुंबई की अनुशक्ति नगर विधानसभा वार्ड नंबर 145 की ओर से कबड्डी चैंपियन ट्रॉफी का भव्य आयोजन किया गया। जी हां, ये कबड्डी चैंपियन ट्रॉफी का भव्य आयोजन 145 वार्ड से कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमशेद वाली के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुंबई के अलग अलग क्षेत्र की कई टीमों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस के कई दिग्गज नेता व कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये कबड्डी चैंपियन ट्रॉफी परिवर्तन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। विधानसभा में जो कबड्डी की प्रतियोगिता रखी है और उस कबड्डी की प्रतियोगिता में हम लोग सब इधर शरीक हुए हैं और उसमें एकनाथ गायकवाड़ जी है, हमारे बब्बू खान जी है, मैं स्वयं हूँ और मुझे इस कबड्डी प्रतियोगिता में जो हमारे सब अनुशक्ति नगर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में मैं आज था। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मुझे पार्टी ने एक बार वापस साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की जवाबदारी दी है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सभी लोगों को साथ में लेके चलूँगा और पार्टी को मजबूत बनाकर मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सीटें मिले और जो जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए हम लोग काम करेंगे और उनको जिता के लाएंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आज हमारे लिए एक बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से हमारे सबके चाहते हुकुमराज मेहता साहब, उनको दोबारा हम लोग यहीं बैठे थे और हम लोगों को खुशखबरी मिली, तो हमको एक बड़ी खुशी की बात है और मैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को एक वही जलवा जो पहले उनके जब वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे जिस दौर में कांग्रेस का एक बड़ा जलवा था महाराष्ट्र और मुंबई में, वैसा ही हमको फिर देखने को मिलेगा। और आज हम इस अनुशक्ति नगर के इस ग्राउंड में जहां पर हमेशा तारीखी प्रोग्राम होते हैं, जो आज यहां के लोगों ने जो कबड्डी का एक प्रोग्राम अरेंज किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हमारे एक्स MP, हमारे माजी मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ साहब भी यहाँ आए हैं। इन सब की उपस्थिति में यहाँ पर जो बच्चों को सम्मान और उनको जो अवार्ड से नवाजा जाएगा, उसके लिए मैं मेरी तरफ से उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और उन यहाँ की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस बड़े प्रोग्राम के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता बार बार इस तरीके के प्रोग्राम अरेंज करेंगे ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। परिवर्तन फाउंडेशन के तरफ से एक कबड्डी का यहाँ टूर्नामेंट हुई थी जिसमें बड़े हमारे बुजुर्ग नेता भी लोग हाजिर हुए थे और युवाओं ने जिस तरह से अपना खेल का प्रदर्शन किया वो देख के हम सब खुश है। मैं परिवर्तन फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक दफे कोविड का मौका चल रहा है, कोविड का बहुत बड़ा बीमारी चल रही है, तो भी लोग कोविड को संभाल के मास्क लगा के ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 145 वार्ड में चीता कैंप में जो ये कबड्डी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको सक्सेस बनाने के लिए हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, NCP के और MMC जो सिम है वो लोग और SK अंसारी डेकोरेटर और नसीब अली, इन सब ने मिलकर परिवर्तन फाउंडेशन ने जो कामयाबी का काम यहाँ पर किया है बच्चों के लिए, खासकर उनके जज्बात, उनके हौसले अफजाई को जो इन्होंने बढ़ाने का काम किया है परिवर्तन फाउंडेशन ने चीता कैंप में, ये काबिले तारीफ है और लाजवाब है। इससे आने वाली और भी जितनी नस्लें रहेगी वो हमेशा फल फूलेगी और खेल कूद में माहिर रहेगी, नशे से दूर रहेगी। हमारा प्रयत्न यही है, कांग्रेस पार्टी हो, NCP हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा प्रयत्न हमेशा ये रहता है कि बच्चे जो है वो आगे चलकर स्वर्ण पदक ले, गोल्डन पदक ले, सिल्वर पदक ले, जो भी हो वो सक्सेसफुली करे हर काम को, हमारा यही लक्ष्य है। और हम इसी के लिए, आप जितने भी बच्चे कहाँ से आए, दहीसर से आए, कोई भिवंडी से आया, कोई डोंबेवली से आया, कोई घाटकोपर से आया, कोई, हम सब जितने बच्चे इधर है सबका हम धन्यवाद करते हैं और खासकर परिवर्तन साहब के हमारे जो प्रेसिडेंट है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम मेहताब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमको इस काबिल समझा कि वो अपने प्रोग्राम में हमको सहयोग देने के लिए बुलाए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रेसिडेंट साहब, और आगे भी अगर सक्सेस ऐसी करना है तो हम एकजुट होकर काम करेंगे।
जय महाराष्ट्र, जय भीम। सीईएन न्यूज मुंबई के लिए राज पांडे की रिपोर्ट।